आज जो पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। टोटल विकास के पांच सिद्धांत पढ़ना जो कि प्रमुख रूप से हैं और यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कोहल वर्ग के बारे में कि कोहल वर्ग जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, और इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया 1958 में, है ना। उन्होंने अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया 1958 में, एक किताब है इनकी, फेमस किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। इनकी किताब का नाम है बुक द साइकोलॉजी, नोट कर लेंगे इस किताब का नाम, द साइकोलॉजी, है ना, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इनकी किताब है। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया 1958 में, अमेरिकी वैज्ञानिक कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ने किसके बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो आपको पता होना चाहिए नैतिक विकास के बारे में। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर, है ना, उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया 10 से 16 वर्ष के बच्चों का, और उसके आधार पर कोहल वर्ग ने क्या कर दिया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत को जाना जाता है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने काफी सारी नैतिक दुविधाओं को लेकर के, है ना, उन्होंने अपने विकास में बताया, नैतिक विकास में, कि किस तरीके से बच्चे, है ना, इन लघु कथाओं को सुनकर के या देख करके उनमें जो नैतिक तर्कणा विकसित होती है किस ढंग से होती है, उसके बारे में उन्होंने इसको बताया। तो इसका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है। इसका सिद्धांत जो है एक्चुअल वो तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब वो तीन सिद्धांत, सॉरी, सिद्धांत के जो तीन भाग हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इसका बेसिक हो गया कोहल वर्ग, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अपना सिद्धांत 1958 में प्रस्तुत किया, किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और किन बच्चों पर उन्होंने साक्षात्कार किया, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर, और अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुछ चीजें इंपोर्टेंट हैं जो कि उन्होंने बतलाया। सबसे पहली बात करेंगे तो पूर्व परंपरागत अवस्था। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है, या इसका एक अन्य नाम है पूर्व परंपरागत का प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, कि इस स्टेज में नैतिकता का क्या गुण होगा, इसके बारे में कोहल वर्ग ने बताया। कोहल वर्ग ने बताया कि यह जो नैतिकता का स्तर है, पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बताया गया कि ये जो नैतिकता का स्तर है, बच्चों की बात करूंगा तो 3 से, है ना, 9 वर्ष की अवस्था का है। कितने वर्ष की अवस्था में है? 3 से 9 वर्ष की अवस्था में जो प्राक रूढ़िगत स्तर है नैतिकता का, वो 3 से 9 वर्ष के बीच बताया कोहल वर्ग ने। आप देखना इस 3 से 9 वर्ष की अवस्था में जो ये आयु होगी पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें उन्होंने बताया कि बच्चों में जो भी नैतिकता होगी वो दूसरों के मानकों पर आधारित होगी। ठीक है, यहां पर जो भी बच्चे में नैतिक गुण होंगे या नैतिकता होगी वो दूसरों के स्टैंडर्ड, मतलब दूसरों के मानकों के आधार पर होगी, ना कि स्वयं के अंगीकृत मानकों पर। वो खुद के नियम कानून के अनुसार उसमें नैतिक गुण नहीं होंगे, उसमें जो नैतिक गुण होंगे वो दूसरों के मानकों के अनुसार होंगे। पहली बात। दूसरी बात बताया कि इस अवस्था में बच्चे में समाज के जो भी नियम है, समाज के नियम या जो भी नैतिक गुण है, वो बच्चे में इनकी समझ नहीं होती है। मतलब कि समाज में, अब देखो समाज में तो बहुत सारी चीजें हैं, समाज में बच्चा भी है और बहुत सारे लोग, है ना, होते हैं, पर समाज की जो परंपरा है और जो रूढ़ी, अब रूढ़ी परंपरा आप लोग तो जानते हो, बहुत सारे ऐसे नियम और अंधविश्वास समाज में अभी भी भ्रांति के रूप में फैले हुए हैं, है ना। तो
तो समाज के वो नियम या कुरीतियों की बात करूंगा, कुरीतियां, ठीक है, या अंधविश्वास, समाज के नियम, कुरीतियां, अंधविश्वास, इन चीजों की बच्चों को समझ बिल्कुल भी नहीं होती। किस अवस्था में? इस अवस्था में, क्योंकि नाम ही उसका पूर्व परंपरागत, परंपरागत के पूर्व की स्टेज, इसका नाम पड़ गया पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, जिसमें बच्चे को समाज के नियम, समाज की कुरीतियां, समाज के अंधविश्वास, उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं होती। यहां पर बच्चा जो भी चीज हो उसको अच्छा या बुरा किसके अनुसार मानेगा? दूसरों के अनुसार मानेगा। उसको खुद के अंदर से अच्छा बुरा नहीं पता चलेगा, वो दूसरों के अनुसार किसी चीज को अच्छा या तो किसी चीज को बुरा मानेगा। ठीक है ना, समझ गया ना? उसके भौतिक परिणाम के आधार पर, मतलब किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, ठीक है, बच्चा जो भी व्यवहार हो उसको अच्छा या बुरा जो मानेगा वो किसके आधार पर मानेगा? अपने भौतिक आधार पर मानेगा, फिजिकल कंडीशन के आधार पर मानेगा कि कोई व्यवहार अच्छा है या कोई व्यवहार बुरा है, वो खुद के क्या मानेगा? भौतिक परिस्थितियों के कारण मानेगा। और यहां पर जो भी चीज अच्छी है बुरी है वो दूसरों के अनुसार उसमें नैतिक गुण आएंगे, ना कि खुद के अनुसार। समझ गए? पहला स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, या इसको क्या बोलेंगे? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें जो है बच्चे की आयु है 3 से 9 वर्ष। नैतिकता जो भी होगी बच्चे में वो खुद के मानकों के अनुसार नहीं होगी, इसमें जो नैतिकता का स्तर होगा वो दूसरों के मानकों के अनुसार होगा। मतलब उसके अंदर से कोई नैतिक गुण नहीं होंगे, जो दूसरों से देखेगा, जो दूसरों के अनुसार बताया गया है उसमें जो भी नैतिकता होगी वो दूसरों के अनुरूप होगी। ठीक है, दूसरी बात, समाज के नियम, समाज में कुरीतियां, समाज के अंधविश्वास, समाज में जो भी गतिविधियां होंगी उन सब की गतिविधियों की समझ बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि बच्चे की अवस्था काफी छोटी है। अब बच्चा किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक आधार पर मानेगा, ना कि और किसी अन्य कारणों के, है ना, से आधार पर मानेगा, वो खुद के आधार पर मानेगा कि कौन सा व्यवहार अच्छा है या कौन सा व्यवहार बुरा है। तो ये पहली अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था। अब इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी का सिद्धांत। तो ये मैं मिटा रहा हूं, इसके दो भाग हैं। ये पहली अवस्था है, इसको कोहल वर्ग ने दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में कैसे डिवाइड किया है वो सुनना। पहला क्या है? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। दूसरा है साधनात्मक, उन्मुखता। उन्मुखता मतलब समझते हो, उन्मुख होना। ठीक है, अब सबसे पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। इस अवस्था को उसने 3 से 4, है ना, 3 या 4 अवस्था से 5 या 6 वर्ष की अवस्था, 3 4 वर्ष से 5 6 वर्ष की अवस्था के बच्चों में ये पहला जो नैतिक का स्तर है, दंड एवं आज्ञाकारिता का उन्मुखता, ये वाला गुण होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है। इसमें क्या होता है? जो बालक होगा वो अपनों से बड़ों के प्रति, ठीक है, सम्मान की भावना या उनके प्रति सम्मान होता है। जैसे भैया जी हैं, बड़े हैं तो भैया जी बोलेगा, है ना, पापा है तो पापा जी बोलेंगे, किसी का सीधा नाम नहीं लेगा बच्चा। क्यों? कि यहां पर बच्चे में क्या आ गया है? बड़ों के प्रति सम्मान की भावना आ चुकी है। अब देखो इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा? बड़े, जो उससे बड़े लोग हैं ना, उनका क्या करेगा? आदर का सम्मान, वो सॉरी, उनका आदर का पालन करेगा, उनकी आज्ञा का पालन
पालन करेगा, तो उनका आदर सम्मान तो करेगी करेगा, लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन भी करेगा, ठीक है। अगर क्यों, उसको मालूम है अगर मैं मेरे से बड़े लोगों की दी गई आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दंड मिलेगा। इस कारण बच्चा अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना दिखलाएगा, उनका सम्मान करेगा और बड़ों के द्वारा जो दी गई आज्ञा है उसका पालन करेगा, ठीक है। पालन किस लिए करेगा, अगर मैं पालन नहीं करता तो मुझे क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है, इसलिए वो क्या करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है ना। घर में कुछ भी काम दे सकते हैं, ये करो वो करो, ठीक है। दूसरी बात, इस अवस्था में बालक बड़ों के द्वारा बताई गई जो भी गतिविधियां होती हैं उसके अनुरूप ही काम करेगा, है ना, उसी को ही वो सही मानेगा, है ना, और उसके अनुरूप ही वर्क करेगा। अगर उसके अपोजिट वर्क करता है तो वो सोचता है कि मुझे दंड मिल सकता है। मतलब यहाँ जो जो भी काम करेगा या कार्य करेगा बच्चा, वो किसके द्वारा करेगा, बड़ों के द्वारा बताई गई प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, बड़ों के द्वारा, बड़े के द्वारा, क्या लिख सकते हैं इसको, अपने से बड़ों, है ना, अपने से बड़े लोगों के द्वारा बताई गई बातों को, अपने से बड़े लोगों के द्वारा बताई गई गतिविधियां, गतिविधियों अनुसार। मतलब बच्चा जो भी काम करेगा वो अपनों से जो बड़े हैं उन्होंने जैसा बताया कि वैसे वो काम करेगा। अगर उसके अलग ढंग से काम करता है तो बच्चा यहां समझता है कि मुझे दंड मिलेगा, इस कारण फिर वो उस काम को उसके विरुद्ध काम नहीं करता। जैसे जैसे बड़े लोगों के द्वारा बताई जाएगी गतिविधियां वैसा वैसा यहां पर बच्चा भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो खास चीज क्या होगा, बच्चा का बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना होगी, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, है ना, और अगर पालन नहीं करता है तो उसको दंड मिलने का क्या बनी रहती है, उसके अंदर भय बना रहता है, संशय बना रहता है। इस कारण बच्चा क्या करता है, बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखता है और जो बड़े लोगों के द्वारा बताया गया है, समझाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क करता है। अब जैसे हम लोग छोटे थे तो हमको सिखाया गया कि दो धन पांच को कैसे जोड़ना है, तो पहले दो डंडा खींचो, फिर गोला लगाओ, फिर पांच डंडा खींचो और जोड़ दो, कितना जाएगा, सात आएगा। ये हमको हमसे बड़े लोग, मतलब टीचर ने बताया, हमसे बताया, तो हम जब भी कोई गतिविधियां करेंगे तो हम भी यही करेंगे ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सवाल गलत होगा और सवाल गलत होगा तो हमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो बच्चा दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता में क्या करता है, अपने से बड़े जो उनके प्रति सम्मान की भावना दिखाएगा, आदर करेगा और उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस मतलब आज्ञा का क्या करेगा, पालन करेगा, और उनके द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का क्या करेगा, पालन करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दंड का भागीदार बनता है, ठीक है। ये दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता का अंतर्गत कोहलबर्ग ने बताया। दूसरा देखो, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इसकी है ना, इस अवस्था में जो कोहलबर्ग ने बताया कि इस अवस्था में 5 से 6 वर्ष से 8 या 9 वर्ष के लोगों में इस अवस्था को देखा गया है। मतलब 5 या 6 वर्ष के बालकों से लगाकर 8 से 9 वर्ष के बच्चों में नैतिकता का स्तर, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ये बातें होती है। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में बच्चे में प्रमुख रूप से 3 गुणों का विकास होता है। 3 गुण कौन कौन से, पहली चीज तो कहना चाहिए पारस्परिकता, ठीक है, पारस्परिकता, ठीक है, वस्तु विनिमय मतलब समझते हो, विनिमय मतलब अदला बदली करना, ठीक है, किसी एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु को ले लेना, वस्तु विनिमय है, ठीक है। इसका तीसरा शब्द है सहभागिता, मतलब बच्चे में यहां प्रमुख रूप से बात करेंगे नैतिक गुणों में 3 चीजें यहां पर विद्यमान होती हैं या विकसित होंगी। सहभागिता क्या है, आपस में सहभागी होना, ठीक है ना, सहभागिता अपना सहयोग देना, वही चीज है सहभागिता, आपस में मिलकर काम करना। तो बच्चे में एक नैतिक गुण आ जाता है सहभागिता का। दूसरा वस्तु विनिमय का, वस्तु विनिमय मतलब विनिमय प्रणाली मतलब अदला बदली करना,
अगर मेरे पास कोई वस्तु है और मुझे सामने वाले से कोई दूसरी वस्तु लेना है, तो मैं अपनी वस्तु उसको दे दूंगा और उसकी वस्तु मैं ले लूंगा। प्रदर्शन दूसरी अवस्था है। अब देखो, पूर्व परंपरागत था तो इसका नाम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परंपरागत, और प्राक रूढ़ी की जगह हो जाएगा रूढ़िगत। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। अब देखो, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो दूसरा है सिद्धांत का दूसरा भाग, वो भाग कौन सा है, परंपरागत है ना, या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस स्तर में बालक समाज तथा समाज के नियमों और परंपराओं को समझने लगता है और इन मानकों को आंतरिकृत कर लेता है। क्या करता है, समाज के नियम व परंपरा, ठीक है। क्यों, पहली अवस्था में समाज के नियम को नहीं समझता था ना किसी प्रकार की परंपराओं को, लेकिन यहाँ पर बालक समाज के नियम परंपराओं को समझ लेता है और समाज के मानकों को अंकीकृत कर लेता है। क्या कर लेता है, आंतरिकृत, मतलब अब अपने अंदर इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, समाज के मानकों को, कि समाज जो जो भी मानक निर्धारित करता है बच्चन को क्या कर लेता है, आंतरिकृत। और अब बच्चा सही या गलत का निर्णय, अच्छा या बुरा का निर्णय किसके अनुसार करेगा, समाज के अनुसार करेगा। समझ रहे हो, इस अवस्था में बच्चा अच्छा बुरा को, अच्छा बुरा या सही गलत का निर्णय समाज के अनुसार करेगा, वो समाज के नियमों परंपराओं और उनके जो मानक स्टैंडर्ड होंगे उनको क्या कर लेगा, आंतरिकृत कर लेगा, ठीक है। ये अवस्था कहलाती है बच्चे की परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। इसके भी दो अवस्थाएं हैं, पहला लिखना सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता और दूसरा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, है ना। इस परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता स्तर के दो भाग हैं, पहला है सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता और दूसरा है समाज की व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की, सामाजिक व्यवस्था बनाए ना रखने की उन्मुखता, ठीक है। ये पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क आ रहा है ना, दिख रहा है ना। तो ये दो चीज होंगी, सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता है ना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की नमुकता, दोनों चीज क्लियर। अब देखो, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, सामाजिक अनुमोदन, बच्चे को यहां पता रहता है कि अगर मैं समाज में अच्छे काम करूंगा है ना, समाज में, तो मुझे क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। उसको ये फील होता है कि अगर कोई अच्छा काम किया जाएगा तो समाज में उसकी जरूर प्रशंसा होती है, मतलब एक प्रकार का यहाँ प्रेरणा मिलता है। अभी प्रेरणा समझते हो ना, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई अच्छा काम किया जाएगा तो समाज में उसकी चर्चा होती है, समाज में उसकी प्रशंसा होती है। तो बच्चा यहां पर क्या करेगा, समाज के लिए अच्छे काम करेगा तो बच्चे में क्या जाएगी, क्या आएगी, अभिप्रेरणा की भावना। समाज में अच्छे काम करने के लिए बच्चे में क्या आएगा, अंदर से अभिप्रेरणा आएगी और बच्चा यहाँ पे अच्छा काम करेगा और प्रशंसा अर्जित करेगा। मतलब क्या हुआ, सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता। बच्चा यहाँ पर है ना, वो ऐसे काम करेगा जिसमें अधिकतम से अधिकतम क्या हो, प्रशंसा हो। इस दौरान बच्चा ये समझने लगता है कि समाज में जितना अच्छा काम करोगे समाज के लोग आपको उतना ही अच्छा मानेंगे और उतना ही अच्छा जानेंगे और आपकी प्रशंसा भी उतनी ही ज्यादा करेंगे। इसलिए वो समाज में ऐसे काम नहीं करना चाहता जिससे उसकी समाज में बुराई हो, जिसमें निंदा का वो कारण बने, मतलब बुराई का कारण बने। वो ऐसे काम करना चाहता समाज में जिसमें उसकी क्या हो, प्रशंसा हो, लोग उसको जाने समझें। ये अवस्था होती 8-9 वर्ष से 11-12 वर्ष तक, 8-9 वर्ष से 11-12 वर्ष के बच्चों में सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता।
दूसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। देखो बालक क्या करता है, यहाँ पर समाज में रह करके सामाजिक तंत्र को बेहतर रूप से समझ लेता है कि समाज में किस तरीके से नियम है, कानून है, और उनका पालन कैसे करना है, और किस ढंग से सामाजिक संरचना होती है, और सामाजिक जीवन किस ढंग का होता है, समाज में रहकर किस प्रकार से है ना सामाजिक गतिविधियों का पालन करना होता है। तो बच्चा की जो अवस्था है 12-13 वर्ष की ये अवस्था है जिसमें बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्मुख होता है। उन्मुख होना मतलब एक प्रकार से अग्रसर होना, आगे बढ़ना। समझ गए? इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, समाज के नियम कानूनों मानकों, समाज की परंपरा, समाज के रीति रिवाज, समाज के बनाए गए जो भी कानून है, उन सभी चीजों को बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, और उस चीज को निरंतर बनाए रखने के लिए मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बच्चा क्या करता है, उन्मुख होता है। इस अवस्था को बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था है ना बनाए रखने की उन्मुखता। सवाल आपसे पूछेगा, बताइए किसके अनुसार बच्चा सामाजिक व्यवस्था बनाता है ना सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्मुख होता है। चार लोगों का नाम देंगे तो वो कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार, किसके अनुसार, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बच्चा उन्मुख रहता है। समझ रहे हो? बिल्कुल सिद्धांतिक सवाल बनेंगे और व्यवहारिक सवाल बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछेगा सवाल में, कक्षा 4 के दो बच्चे आपस में अपनी किताबों को है ना परस्पर एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, बताइए बच्चों की यह गतिविधि किस नियम अनुसार प्रदर्शन कर रही है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार प्रदर्शन कर रही है। हमने अभी पढ़ा वस्तु विनिमय, कहाँ पढ़ा, अपेक्षवादी सगुणात्मक सिद्धांत में पढ़े हो, ऐसे सवाल बनेंगे। तो अभी आप लोगों को पहली चीज तो ये पृष्ठभूमि पता हो, फिर सवाल क्या निकल के आएंगे वो मैं आपको टेस्ट पेपर और मॉडल पेपर में कराऊंगा। मार्केट की बुक नहीं खरीदना भाई, सब फर्जी बुकें आई हैं, दो दो तीन तीन पन्ने में सारे चैप्टर खत्म कर दिया है बुक बनाने वाला, और ओल्ड पैटर्न के हिसाब से बनाया है, तो मार्केट में कोई बुक सही नहीं है ना। सबसे बेहतर है कि आपके पास जो पुरानी बुकें हैं वो पढ़ो, या तो बढ़िया एक लुसेंट की बुक ले लो, वो भी अच्छी है ना। बाकी अरिहंत वगैरह मैं नाम क्या लूं, बहुत सारी बुकें हैं, उनमें मुझे तो कोई खास समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लेना। जैसे जीन पियाजे, कोहल वर्ग, इरिकसन, थोड़ा बहुत दिया है इनके बारे में, ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी होगी परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तीसरा लिखिए पश्च परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस अपना है ना। क्या बोला मैंने, पश्च परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत। देखो मैं दोनों नाम लिख रहा हूं, कभी कभी नाम से भी सवाल पूछ लेता है चेंज करके, तो आप लोगों को तो दोनों बात कंफर्म होना चाहिए। पश्च परंपरागत उत्तर रूढ़िगत व्यवस्था जो है नैतिकता का यह जो स्तर है वो क्या करता है, बच्चा यहाँ पर देखो समाज की जो रूढ़ी वगैरह है ना, समाज की जो रूढ़ियां, परंपरा, नियम कानून, अंधविश्वास है ना, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन चीजों को बच्चा समझ लेता है, लेकिन अब उनको अब इग्नोर करने लगता है बच्चा। क्यों? क्या वो किसके अनुसार चलने लगता है, प्रजातंत्र के अनुसार चलता है, संवैधानिक दृष्टि से चलता है, क्योंकि समाज में आज किस दिन देखना काफी कुछ भेदभाव है ना। एक तो लिंग भेदभाव है, लिंग पूर्वाग्रह, बेटे बेटियों में, स्त्री पुरुष में, दूसरी चीज जातिगत का भेदभाव भी है समाज में आज भी है, लेकिन जब बच्चा इस नैतिक स्तर पर पहुंचेगा, ये सबसे नैतिकता का उच्च स्तर है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे पश्च परंपरागत स्तर, यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। सवाल यहां से पूछा जा चुका है, बताइए कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो पश्च परंपरागत स्तर है। बच्चा क्या है, अभी तक सब कुछ जान जान चुका है, समाज के नियम कानून, अंधविश्वास, परंपरा, सारी चीज बच्चों को मालूम है, लेकिन
जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचेगा, इस अवस्था में पहुंचेगा, तो बच्चा समाज के नियम कानूनों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। और इग्नोर करने के बाद वो किनके नियम कानूनों या मानकों को फॉलो करेगा, अप्लाई करेगा? वो करेगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब संवैधानिक चीजें जो हमारे संविधान के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं, उन संवैधानिक नियमों और कानूनों का वह पालन करेगा। ठीक है, तो बच्चे का यहाँ पर जो नैतिक स्तर है वो हाई लेवल का हो गया, उच्च स्तर का हो गया। तो बच्चे में सोचने समझने की शक्ति भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, या उसका मानसिक विकास पर्याप्त डेवलपमेंट हो चुका है। इसलिए बच्चा भी यहाँ समाज के कुछ नियम कानूनों को, सारे नियम कानून नहीं, जो उसको गलत लगता है, यार जैसे जातिगत भेदभाव, इस समाज में एक रूढ़ियां फैली हुई भ्रांति है, ये जाति पाति का क्या भेदभाव, सभी जीव एक ही प्रजाति के हैं, तो क्या जाति का भेदभाव। तो इन चीजों को वो संविधान के अनुसार क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है ना, तो प्रजातंत्र और संवैधानिक नियमों के अनुसार बच्चा यहां पर नियमों को मानता है, परंपराओं को देखता है, यह कहलाती है पश्च परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। समझ गए? इसके बाद इसके भी दो भाग हैं, एक है सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता, ठीक है, और दूसरा है सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। लिखिए, इसके दो भाग हैं। पहला है क्या कहा मैंने, सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता। सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता, और इसका दूसरा भाग है, ठीक है, सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत को लिख लो, सार्वत्रिक। बताया सरल सा वर्ड है यार, उन्मुख सा, उन्मुख होना, किसी चीज के लिए आगे बढ़ना, अग्रसर होना, वही तो उन्मुख है ना। अरे हम शिक्षा के स्तर में है तो हम किस ओर उन्मुख हैं, हम शिक्षा के स्तर में उन्मुख हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना ही उन्मुख कहलाएगा। अग्रसर होना, आगे बढ़ना, एक दिशा विशेष पे चलना, मतलब उन्मुख होना। बच्चा कहाँ उन्मुख हो रहा है, संवैधानिक नियमों तो प्रजातंत्र के हिसाब से, तो वो उस ओर उन्मुख है, क्योंकि जिन बातों को अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वही है उन्मुख होना। ठीक है, तो तीसरा पश्च परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दो भागों में कोहल वर्ग ने विभाजित किया, सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता और सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत। अब देखो बच्चा यहां पर क्या करेगा, सामाजिक अनुबंध की सॉरी हाँ सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता, यहां पर बालक समाज के कुछ नियमों को, ठीक है, बच्चा समाज के कुछ नियमों को क्या कर देगा, यहां पर इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा, क्योंकि वो नियम और वो कानून किसके हिसाब से अलग है, प्रजातंत्र और संविधान की दृष्टि से गलत है, तो उनको क्या कर देगा, इग्नोर करेगा। और जो नियम प्रजातंत्र और अन्य दृष्टियों से मानक है तो उनको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो बच्चा अभी तक समाज के सभी नियम परंपराओं को मानते हुए अप्लाई करते हुए आता था, लेकिन जैसे ही नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो बच्चे इसमें से उन चीजों को इग्नोर कर देता है, समाज के जो नियम समाज के संविधान और प्रजातंत्र की दृष्टि से क्या है, गलत है, उनको बच्चा क्या कर देता है, यहाँ पर महत्व नहीं देता। ठीक है, और उन नियमों को महत्व देता है जो व्यक्तिगत मूल्य से आधारित हैं या व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप हैं, है ना, उनको वो महत्व देता है। लेकिन जो समाज में वे नियम जो हमारे संविधान की दृष्टि से गलत हैं, है ना, उनको अप्लाई नहीं करता। ठीक है, दूसरा है सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। देखो इस नैतिक स्तर पे बच्चा कुछ चीजों को सार्वभौमिक रूप में एक्सेप्ट करता है। बच्चा यहाँ पे कुछ नियम कानूनों को किसके अनुरूप एक्सेप्ट करता है, सार्वभौमिक। अब वो सार्वभौमिक चीजें
और संविधान दोनों से हटकर होंगी। समझ रहे हैं? मतलब ऐसे कुछ नियम होंगे, ऐसे कुछ निर्णय होंगे बच्चे के कि वो उन सार्वभौमिक नियमों के आधार पर अपना जो आंतरिक मानक है उसके इंटरनल स्टैंडर्ड वो उन्हीं के अनुसार व्यवहार करेगा। जैसे दया, दया करने से क्या होता है, जैसे मान लो पुण्य करने से क्या होता है, हमारे पाप कटते हैं पिछले, होता है ना, एक सार्वभौमिक चीज है। दान देने से हमारे पाप कटते हैं, दान मतलब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमने जो पिछले पाप किए वो कटते हैं, एक सार्वभौमिकता है। पर हमारा संविधान तो ऐसा कभी नहीं बोला, संविधान में ऐसा लिखा है कि दान करने से हमारे पाप कटेंगे? भाई ये तो शास्त्र की चीज है जो सर्वव्याप्त है, सार्वभौमिक है, जिसको अपन लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि दान देने से क्या होता है, पुराने पाप कटते हैं। ये बात सही है ना? तो इन चीजों को क्या करता बच्चा, इंटरनल रूप से एक्सेप्ट कर लेता है, आंतरिक रूप से इन मानकों को मान लेता है और इस प्रकार की गतिविधियां करता है। इस स्टेज को बोलते हैं सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत। वो कुछ ऐसी नीतियां बना लेता है जो सर्वत्र रूप से सभी जगह क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि हो गया कंप्लीट। और कुछ भी नहीं इसके बारे में, जो कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। क्या सबसे हाई लेवल मतलब आप ही लोग हैं, है ना? अरे 12-13 से वो था, 12-13 के बाद यही तो है संविधान के नियम। अभी तो जान रहे हो आप लोग, अभी तो पॉलिटी पढ़े हो, अभी तो हमको मालूम रहेगा, है ना भाई? इस अवस्था तक बालक कब पहुंचेगा भाई? 18-19 साल का हो जाएगा तभी पहुंचेगा ना, ये अवस्था है ना। अगर हम बात करेंगे तो देखना चाहिए तो युवा अवस्था इस बच्चे की सबसे बेस्ट अवस्था है ना। युवा मतलब वयस्क, इंसान वयस्क कब होता है? 18 वर्ष के बाद।